जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। वफा, आपका पूरा नाम क्या है? वफा एहसान। दानियाल साहब जो आपको यहाँ लेके आए हैं वो आपके कौन हैं? दानियाल साहब प्लीज आप कुछ देर रुकिए, मैं वफा से अलग में कुछ बात करना चाहती हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, ये आपकी हर बात का जवाब तन्हा नहीं दे सकती, मुझे इनके साथ बैठना होगा। ये जो आपकी कैफियत हैं, ये आप कब से महसूस कर रही हैं? क्या मतलब, कौन सी कैफियत? यही दीवारों को तकते रहना, कम हंसना, पिंजरे के पास खड़े रहना, किसी के ख्यालों में डूबे रहना। देखिए ये सब कैफियत आपको हिस्टेरिया की तरफ ले जा सकती हैं। दानियाल प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? दानियाल साहब आप इनके कौन हैं? ये मेरी दोस्त है। देखिए दानियाल साहब, ये जो आपकी दोस्त हैं, मैं इनसे तन्हाई में बात करना चाहती हूँ, वरना सॉरी ये केस मैं नहीं ले सकती। हेलो हेलो, हाशिर बोल रहा हूँ। वफा कैसी हो तुम? हाशिर मैंने तुम्हें बताया भी था कि अब मुझे कॉल मत करना, मगर तुम मुसलसल मेरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ। माम ने बताया नहीं तुम्हें, लेकिन शायद तुम मुझे बर्बाद देखना चाहते हो। अब मजीद बर्बाद क्या होगी तुम? क्या मतलब हाशिर, क्या तुम मुझे बर्बाद देखना चाहते हो? मैं एक भारी कर्ज उतार रही हूँ और ये बात तुम भी जानते हो। जिस तरह से ये कर्ज उतार रही हो उससे भी वाकिफ हूँ। देखो हाशिर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारी अपनी मजबूरियाँ हैं और मेरी अपनी, हम दोनों की जिंदगी में एक दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। तुम प्लीज आइंदा मुझे कॉल करने की जहमत मत करना। हेलो जी, मैं हूँ साहब, वो लोग पहुँच गए? ठीक है, देखिए उनका ध्यान रखिएगा, बाहर से आए हुए लोग हैं। मैं भी क्लिफ्टन वाले ऑफिस पहुँच रहा हूँ। ओके हाँ बोलो वफा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज घर आ जाएं। मैं इस वक्त नहीं पहुँच सकता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दानियाल प्लीज, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं किसी के साथ डॉक्टर को भेजता हूँ। ठीक है। आशिर आप प्लीज मेरे कमरे में आइए।
जी सर। आशिर आपने काम करना है राजदारी से। राजदारी से? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और फ्लैट में मेरी वाइफ मौजूद हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर काजमी को लेकर फ्लैट पर पहुंचाइए। क्या सोचने लगे आप आशिर? अब कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। एक बात का ख्याल रखिएगा आशिर, मैं आपका बेहद एतबार करने के बाद अपने इंतहाई करीब लाया हूं। मेरी जिंदगी में जो छुपा हुआ है वो किसी के इल्म में मत लाइए। डॉक्टर साहब, आपको बीबी साहब अंदर बुला रही हैं और आप अंदर तशरीफ रखिए। आगे होके बैठी। सांस ली जोर जोर से। देखें, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल रहना ये खतरे की बात है। आप मुकम्मल आराम करें, इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, आपको नींद आ जाएगी। कुछ दवाएं आपको लिख देता हूं मैं, बाज़ार से मंगवा लीजिएगा। हाँ हाँ शर, चेक किया डॉक्टर ने, क्या कहते हैं? जी वो अभी अंदर चेकअप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई। ठीक है, देखो मैं भी आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगा और जब तक मैं पहुंचूं ना, तुम कहीं ना जाना। जी सर। ओके। देखिए मैंने चेक कर लिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंजेक्शन लगा दिया है और दवाएं कुछ लिख दी हैं, उन्हें फौरन शुरू करवाना है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं अभी आपके साथ वापस नहीं जा सकूंगा, बॉस आने वाले हैं। ओके, आई नो दैट। आप ऐसा करें, दवाओं को फौरन शुरू करवाएं। जी बहुत शुक्रिया। चक्कर आ गया था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? सर आप गलत समझ रहे हैं। तुम चलो बराबर। सर आप गलत समझ रहे हैं, वफा को संभाला है सिर्फ मैंने, उसे चक्कर आ गया था। मालकों का नाम लेता है
lost. You are fired. मेरे दफ्तर में तुम जैसे बदनीयत इंसान के लिए कोई जगह नहीं. बस बस से आगे कुछ मत कहिएगा वरना मैं भूल जाऊंगा कि मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए. धमकी दे रहा है मुझे धमकी दे रहा. इसे तो मैं देख लूंगा तू निकल निकल यहां से. आज के बाद इस अपार्टमेंट के इर्द गिर्द नहीं नजर ना वरना वो हशर करूंगा. ये अपने आप को नहीं पहचान सकोगे. गेट लॉस्ट गेट आउट. क्या हुआ था? कुछ नहीं डॉक्टर साहब. शी वाज नॉर्मल और अचानक से एक चक्कर आया और बेहोश हो गई. ओके एक दिन के लिए मैं अस्पताल में रखे हूँ. फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है. कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेंगे. डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं है? टेस्ट करवा लें फिर देखते हैं. बाहर तो लगता है कि मरीजा किसी शदीद दिमागी उलझन का शिकार है. आप परेशान ना हो. शी वाज ऑल राइट. इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट के लिए एडमिट करूं. आप माहम बात कर रही? जी हाँ मैं माहम बात कर रही हूँ. लेकिन आप कौन? देखिए मैं वफा के ऑफिस में होता हूँ इस वक्त. वफा हॉस्पिटल में कुछ तबीयत खराब है तो आप लोग आके मिल लें उसे. व्हाट वफा बाजी हॉस्पिटल में? क्या हुआ वफा हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? खैरियत है? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप परेशान ना हो. आपको इतला किसने दी? बेटा तुम्हारे ऑफिस से किसी का फोन आया था. बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया. नाम क्या था उसका? किस नंबर से फोन आया था? इससे क्या फर्क पड़ता है? बताया तो उसने सही ना. आपका बस चलता तो आप हमें पता ही ना लगने देती. बस पड़ी रहती है ऐसी बिस्तर पर. बहुत काम करती हैं आप लेकिन इंसान को अपने दिमाग पर उतना ही बोझ डालना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके. जो बोझ किस्मत ने डाला है वो तो बर्दाश्त करना ही होगा. वो तो ठीक है मगर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए वफा बाजी. आप समझती क्यों नहीं है? अच्छा ना बस कर दो तुम लोग ये बातें. मुझे ये बताओ बेटा कि कितने दिन बाद छुट्टी देंगे डॉक्टर तुम्हें? कुछ बताया उसने? एक दिन के लिए एडमिट किया. इसी बहाने आप रेस्ट तो करेंगे कुछ दिन. हाँ मगर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी. पागल हो गई है? मैं आपको जाने नहीं दूंगी ऑफिस. कोई जरूरत नहीं. खबरदार जो आपने एक कदम भी बाहर निकाला वरना मैं आपसे शदीद नाराज हो जाऊंगी. क्यों नाराज होगी भला? मुलाजमत है ये. ठीक किस तरह की मुलाजमत है आपकी? बिस्तर से लगा दिया आपको? ऐसे मत कहो माम. जिस घर में तुम मुझे आराम के लिए कह रही हो वो घर है तो सिर्फ इस मुलाजमत की वजह से है. देखो वफा जो भी हुआ उसे तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत समझकर नजरअंदाज कर सकती हो. मुझे आपकी मोहब्बत पे कोई शुबा नहीं है लेकिन अगर आप मेरी मोहब्बत में इस तरह बेकाबू हो जाएंगे मुझे शर्मिंदगी होगी. मुझे बाद में एहसास हुआ कि उस वक्त मुझे अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था. सच बताओ तो मुझे आपकी मोहब्बत की शिद्दत से डर लगने लगा है. देखो वफा मैं कोशिश करूंगा कि अपनी मोहब्बत को जुनून ना बनने दूं लेकिन इसकी शिद्दत में कमी का वादा नहीं कर सकता.
इजाजत है तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। उस वक्त आपने जो सजा उस ऑफिस के लड़के को दी, क्या वो उसका मुस्तहिक था? हाँ, वो उस सजा का मुस्तहिक था। और सजा मैंने उसे अपनी नफरत की वजह से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत की वजह से दी है। उसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं थामता, मैं जमीन पे गिर जाती, मुझे और भी जख्म आ सकते थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई अजनबी हाथ तुम्हें छुए। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपसे, उस लड़के को जॉब से फारिग मत करिएगा, प्लीज। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं करता हूं। कैसी हो आशिर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी जान लेना चाहते हो क्या? इतनी मुश्किलों से हालात को संभालना है, दानियाल अभी यहीं से उठकर गए हैं। अगर उन्होंने दोबारा तुम्हें मेरे पास देख लिया तो इस दफा तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुमने दानियाल से शादी कर ली और अब उसकी बीवी बन के रह रही हो। तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हो वफा? आशर, मैं मजबूर थी, बस और कोई चारा नहीं था। मैं बाबा का मकान बचाना चाह रही थी, अपनी माँ और बहन को दर्द दर्द ठोकरे खाने से बचाना चाह रही थी। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि उस शख्स ने तुमसे शादी की क्यों है, जब एक बीवी का मकान नहीं देना था। तुम्हें बंद दरवाजों के पीछे क्यों रखा हुआ है उसने? आशर, मैं समझती हूँ, उन बंद दरवाजों के पीछे रहना ही मेरा मुकद्दर है। क्या तुम ये समझ सकती हो कि जब तुम्हारी माँ और बहन को पता चलेगा कि तुमने उनसे छुपकर शादी रचा ली है तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी? आशर, ये शादी मैंने रचाई नहीं है, एक घर की गिरती हुई दीवारों को मैंने बचाया है। और खुदा के लिए प्लीज अभी माँ और अम्मी को अभी कुछ मत बताना प्लीज। वक्त आने पर मैं सब उन्हें बता दूंगी, लेकिन अभी वो शायद ये सपना बर्दाश्त ना कर पाए। चलो शुक्र है, तुम्हें इस बात का एहसास तो है कि तुम्हारी शादी एक सदमा है। वफा, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा ना? शायद ये सब सोचने का वक्त ही नहीं था तुम्हारे पास। आशर, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, जो तुम सोच रहे हो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है। मोहब्बत को खुदगर्ज होना भी चाहिए, और शायद शायद यही इसकी खूबसूरती है। क्या तुम मोहब्बत बांटने पर यकीन नहीं रखते? मोहब्बत, मोहब्बत तो मैं आज भी बांट सकता हूँ, लेकिन महबूब नहीं बांट सकता। मगर अब ये सब कुछ कहना फजूल है। प्लीज हाशिम, मेरी मजबूरियों को समझो। क्या तुम दानियाल से मोहब्बत करने लगी? मोहब्बत हमेशा सच्ची नहीं होती है हाशिम, कभी कभी एक ढोंग रचाया जाता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए।
एक्सक्यूज मी नर्स जी, यहाँ पर जो पेशेंट थी वो कहाँ गई? उन्हें आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया है। हैरत की बात है, आपको बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर चली गई, हमें फोन तक नहीं किया। कहीं वो डिस्चार्ज होकर ऑफिस तो नहीं चली गई? ये क्या हरकत की है वफा ने, कॉल मिलाओ ना जरा उसे जल्दी, पूछो कहाँ है। उनका फोन बंद जा रहा है, अल्लाह रहम करे। मैं रिसेप्शन से चेक करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, मेरे मम्मी हॉस्पिटल है तो पता चला कि वफा बाजी यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा चुकी हैं। उन्हें फोन भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ गई है, क्या आपको कुछ मालूम है? तो परेशान ना हो, वफा के ऑफिस वाले ले गए होंगे अपने साथ, मैं मिला था उससे, बिल्कुल नॉर्मल थी। तुम प्लीज अम्मी को लेके घर जाओ। ठीक है, प्लीज आप हमें मालूमात करके बताएं। ओके बाय। क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? वो अम्मी हाशिर भाई थे, मैं उनसे पूछ रही थी। हाशिर से? क्यों? हाशिर से क्यों पूछ रही थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ माहम, क्यों तुम बार बार फोन करके हाशिर को वफा के मुतालिक बताती हो? क्या जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की बातें एक अजनबी को बताएं? अम्मी हाशिर भाई वफा बाजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। क्या वफा हाशिर को पसंद करती है? तो मुझे क्यों नहीं बताई उसने ये बात? हद होती है। टेक लगा लो। देखो, मैंने एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया है जो हर वक्त तुम्हारी खिदमत पे मामूर रहेगी। एक सिक्योरिटी गार्ड भी है जो तुम्हारी हिफाजत के लिए ड्राइवर गाड़ी समेत मौजूद है, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुम गाड़ी इस्तेमाल कर सकती हो। ये सब करने की क्या जरूरत है? वफा, तुम मेरी ख्वाहिश हो और मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश के लिए कर रहा हूँ। बात कह सकती हूँ आपसे? कहो। जानती हो जब तुम किसी भी बात की इजाजत मांगती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ड्यूटी है कि मैं कुछ भी करने से पहले आपसे परमिशन लूं। लेकिन ये सब कुछ तो मुलाजमीन पर लागू होता है। तुम तो मैं भी तो शायद भूल जाती हूँ। अच्छा कहो, किस बात की इजाजत चाहिए? माहम और अम्मी हॉस्पिटल गई होंगी, मैं उन्हें बगैर बताए आ गई। ठीक है, ये लो अपना मोबाइल और मिलाओ उनको कॉल और बात करो अपनी अम्मी और बहन से, मुझे अच्छा लगेगा। उन्हें बताओ कि तुम्हें किसी अर्जेंट काम से डायरेक्ट हॉस्पिटल से ऑफिस जाना पड़ा, शाम तक आ जाओगे, परेशान ना हो। करो बात। हेलो माहम। वफा बाजी, कहाँ हैं आप? ये क्या हरकत की आपने, बिना फोन के हॉस्पिटल से ऐसे चली गई? इतनी जिम्मेदार होकर आप इस तरह अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे गई? माहम, ऑफिस में काम था कुछ जो मेरे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मम्मी को बता देना। हाँ, मैं रात को आकर तफसील से बता दूंगी। मम्मी को कहना फिक्रमंद ना हो। ठीक है, लेकिन आप दोबारा जल्दी फोन कीजिएगा मुझे। ठीक है, ओके। बस जब मैंने इजाजत दी थी तो तफसीलन तो बात करनी थी। तफसील से क्या बात करनी थी, मम्मी बस मेरी जानब से फिक्रमंद रहती हैं,
इसीलिए उनको तसल्ली देनी थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मैं वापसी में लेता हूँ। नहीं, मेरी जरूरतें बहुत कम है, आप जानते हैं। मुझे लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ लेना ही नहीं चाहती। ऐसी बात नहीं है दानियाल, मैं बहुत महदूद ख्वाहिशात वाली लड़की हूँ। तुम्हें मैं कितनी रोमांटिक जगह पे लेके आया, और मजाल है तुमने मेरे से कोई रोमांटिक बात की। उमेर, ये कोई फिल्म नहीं है, ये असल जिंदगी है। यहाँ पे सब कुछ प्लान नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ अचानक हो जाता है। भाई मेरी जिंदगी में तो कुछ अचानक नहीं होता, वेट ही करता रहता हूँ। किसका? कुछ अचानक होने का। अच्छा बस, तुम्हें मजाक करने के लिए ना कोई टॉपिक चाहिए होता हर वक्त, कभी सीरियस ना होना। लगता है बड़ी गड़बड़ होने वाली है। कैसी गड़बड़? तुमसे शादी करने का फैसला कहीं खुदकुशी ना साबित हो जाए। हाँ वैसे मुझे भी ना शादी के नाम से कुछ घबराहट सी होने लगी है। ऐसा करो कि तुम अपना इरादा बदल ही दो। आज इरादा बदलने का कह रही हो, कल महबूबा बदलने का बोलोगे तो मैं क्या करूँगा? तो बदल लेना, इस जमाने में वैसे भी लोग बदलते ही रहते हैं। क्या बदलते रहते? महबूबा और कौन। कितने खूबसूरत मशवरे दे रही हो, आज मुझे बहुत अच्छी लग। उमेर, क्या तुम वैसे ही शौहर साबित हो गए जैसे होते हैं? बिल्कुल भाई, शौहर को कम से कम शौहर की तरह तो लगना चाहिए। तुम्हें शादीशुदा जिंदगी से क्या इख्तलाफ है? मुझे इख्तलाफ शादीशुदा जिंदगी से नहीं है, मुझे इख्तलाफ उन शौहरों से है जो अपनी बीवी को घरों में कैद रखते हैं। माहम, क्या हुआ, इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? बस यूं ही कुछ ख्याल आ गया था। देखो सब एक जैसे नहीं होते, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। काफी फिल्मी डायलॉग है। फिल्मों में तो डायलॉग बोलने के हीरो को पैसे मिलते हैं, मुझे कौन से पैसे मिल रहे हैं? तुम ये ख्वाब देखते हुए अपनी मामा के जज्बात भूल जाते हो ना मेरे बारे में। वो सब मेरा मसला है, डोंट वरी। जैतून जी, बीबी जी, वो जो सामने बाग है ना, वहां से कुछ रंग बिरंगे फूल तोड़कर लाओ और यहाँ टेबल पर सजा दो। जी अच्छा। हेलो। हेलो आशिर। हेलो, हाँ वफा, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें फोन ये समझाने के लिए किया था कि मैंने दानियाल को किसी तरीके से संभाल लिया है, मगर तुम आज के बाद मुझ तक पहुँचने की कोशिश भी मत करना। मुझे रंज है कि मेरी वजह से तुम अपनी तजलील से गुजरे, तुम्हें जख्म भी आया। मैं हॉस्पिटल में तुमसे सही से बात भी नहीं कर पाई। वफा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे किस लहजे में बात करती हो, मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि ये दुनिया तुम्हारे साथ किस लहजे में बात करती है। तुम्हें शायद एतबार नहीं कि मैं खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता रही हूँ, दानियाल एक बहुत सुलझे हुए और संजीदा इंसान है। ठीक है वफा, अब तुमसे मुखातिब होने का हक भी नहीं है मुझे। बात खूब, जो बात मैं कहना चाह रही थी तुमने खुद ही कह दी। हाशिर, अब याद रहे कि मैं सिर्फ वफा नहीं बल्कि वफा दानियाल हूँ, लिहाजा आप मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। That's all.
आफा बाजी, क्यों आपने अपने आप को इतनी तवलीन मुश्किलात में डाला हुआ है? वापस कर दें इस घर की फाइल को, छोड़ दें इस जॉब को। माहम, ये सिर्फ ईंट गारे से बना हुआ घर नहीं है। इस घर में पापा का पसीना शामिल है। मैं कैसे इसे किसी और के हवाले कर दूं? नहीं, अब जो मैं फैसला कर चुकी हूं उसे बदलने का भी वक्त निकल गया। हेलो जी सर। सर, अच्छा कोई है करीब आपके? जी सर। देखो जाने दानियाल, मुझे 3-4 रोज के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। जब तक तुम चाहो तो अपने घर पे रहो या फ्लैट पे रहो, मुझे कोई इशू नहीं। लेकिन फ्लैट पे तुम थोड़ा बोर होगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने घर पे रहो। जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे खैरियत, आपको क्यों जाना पड़ रहा है? बिजनेस है, कोई भी फैसला यूं अचानक करना पड़ जाता है। अच्छा कुछ मंगवाना है तो बताओ, मैं वहां से लेता हूँ। जी जी शुक्रिया। ओके, टेक केयर एंड आई विल बी बैक सून। जी खुदा हाफिज़। किसका फोन था वो? मेरे बॉस का फोन था। कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं ना, तो मुझे भी 3-4 रोज की छुट्टी मिल गई है। उनको असिस्ट करती हूँ तो और कोई काम नहीं होगा। सच? मजा करेंगे। छोटे साहब, बड़े साहब कब तक आ रहे? बड़े साहब तकरीबन 2-3 महीने तक आ जाएंगे। तब तक तुमने घर को जरा अच्छी तरह साफ करके रखना है। जी साहब, मैं रोज सफाई करता हूँ। और सुनो, एक काम करो। जी सर। अगले हफ्ते तक ना अमजद साहब ने आना है, और उन्होंने आके घर को जरा ठीक ठाक करना है, तो उनके साथ ताउन करना, जैसा कहें वैसा करना। जो हुकुम छोटे साहब, आप यहाँ कब तक हैं? मैं अभी कुछ दिन यहाँ रुकूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे बस तन्हाई चाहिए होगी। अच्छी बात है साहब, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर दूं। खाना नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, बस चाय का ख्याल रखना। साहब आप पहले खाना खा लें, फिर मैं बना देता हूँ। नहीं, चाय तो मुझे भी चाहिए, सर में दर्द हो रहा है, फौरन ले आओ। हेलो। हाय दानियाल साहब, कैसे हैं आप? जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं।